नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस आज के नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग और रिकवरी इन मिल शॉप। ये बेसिकली एक क्वेश्चन आंसर सेशन के तहत रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है जिसे आप आज देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन था वो है हाउ टू कैलकुलेट फेरोसिलिकॉन एंड अलॉय रिकवरी। तो अलॉय रिकवरी या फेरोसिलिकॉन की रिकवरी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन पूछा था मिस्टर संतोष कुंभार, मिस्टर कुपेन पटेल, संजल कास्टिंग देहरादून और मिस्टर पुष्पेंद्र शर्मा, जिन्हें इन तीनों ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, और आप ही के क्वेश्चन के ऊपर आज का हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको इसका काफी फायदा होगा। सो हाउ टू कैलकुलेट फेरोसिलिकॉन अलॉय रिकवरी इन द मेल्ट शॉप। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर फेरोसिलिकॉन की रिकवरी आज बनाने जा रहे हैं। सो व्हाई अलॉय रिकवरी सो इम्पोर्टेंट, रिकवरी इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट रिकवरी है क्योंकि अगर हमें रिकवरी पता है तो डेफिनेटली हम जितना चाहिए उतना ही अलॉय एडिशन कर पाएंगे, और उसके वजह से जो कॉस्ट इम्पैक्ट है वो हमारे फायदे का रहेगा, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम राइट अचीव करेंगे कॉम्पोजिशन को। डिसायर कॉम्पोजिशन हमें मिलेगा फर्स्ट टाइम राइट, पहली बार कॉम्पोजिशन मिलने के वजह से लेट एडिशन कम होगा, जिससे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और उससे पावर कंजम्पशन है वो कभी कम होगा, रिड्यूस पावर कंजम्पशन। और इन सारों सारी चीजों के साथ ही साथ हमारा जो मेटल की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि मेटल का कॉम्पोजिशन सही है इसलिए मेटल प्रॉपर्टीज भी बेहतर रहेंगी। तो ये सारे एडवांटेज हमारे अलॉय रिकवरी जानने से या अलॉय रिकवरी अच्छी होने से होंगे। तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारे ऑलाई की रिकवरी क्या आ रही है, और ये हमें सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, हमारे शॉप फ्लोर के लोगों को हमें बताना पड़ेगा कि आप जो ऑलाई इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसकी रिकवरी क्या है, जिसके वजह से वो सही मात्रा में ऑलाई का एडिशन करेंगे और फर्स्ट टाइम राइट कॉम्पोजिशन मिलेगा। और ये सारे एडवांटेज जो हमने अभी बताया, कॉस्ट इम्पैक्ट, फर्स्ट टाइम राइट, डिजायर कॉम्पोजिशन, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस पावर कंजम्पशन एंड बेटर मेटल प्रॉपर्टीज, ये सारे एडवांटेज हमें मिल जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक टन फर्नेस है और एक एजियन का हीट हम बना रहे हैं जिसमें हमें बात का जो सिलिकॉन है वो 1.8% चाहिए। यहाँ पर हम पूरी एक टन जो मेटल है उसमें हम सीआरसी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें 1.8% बात में सिलिकॉन चाहिए, तो हमें 18 kg सिलिकॉन डालना पड़ेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो सिलिकॉन है वो 100% हमें रिटर्न में नहीं मिलेगा, हम जितना भी फेरोसिलिकॉन डालेंगे उसका 100% हमें नहीं मिलेगा, उसकी कुछ रिकवरी वैल्यू होगी, रिकवरी फैक्टर होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके ऊपर हमें बेसिकली वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये रिकवरी फैक्टर हर अलॉय का अलग अलग रहेगा, और उसी के ऊपर वो रिकवरी फैक्टर के ऊपर या रिकवरी के ऊपर ही उस अलॉय की प्योरिटी और क्वालिटी हम पहचान सकते हैं, क्या प्योर है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, वो भी उसकी रिकवरी हमें बताएगा। नॉर्मली हम जानते हैं कि फेरोसिलिकॉन, फेरोमैंगनीज और फेरोक्रोमियम जैसे अलॉय 60 to 70% रिकवरी में आते हैं, जबकि सीपीसी कार्बन ये 70 to 75% रिकवरी में आएगा, जबकि जीपीसी ग्राफाइट पेट्रोलियम कोक 90 से 95% रिकवरी देगा, कॉपर में ये रिकवरी 98 से 99% रहेगी। ये जानना बहुत जरूरी है कि रिकवरी हर ऑलाई के अलग अलग रहेगी, और इसे हमें देखना है कि जो स्टैंडर्ड रिकवरी हमने यहाँ पर लिखी है आपकी एक्चुअल में आने वाली ऑलाई की रिकवरी उससे कितनी मैच होती है, उसके ऊपर उसकी क्वालिटी उसकी प्योरिटी डिपेंड रहेगी। तो हम शुरू करते हैं एक ऑलाई की रिकवरी का कैलकुलेशन जो हमारा एक्चुअली वीडियो का टॉपिक है। जैसे मैंने बताया, एक टन फर्नेस में हम 1.8% सिलिकॉन रखना चाहते हैं, तो हमें 18 किलो सिलिकॉन डालना था, लेकिन हमने अभी 26 किलो सिलिकॉन डाला हुआ है, और 26 किलो सिलिकॉन डालने के बाद हमें जो बात का सिलिकॉन है वो मिला है 1.79%, 1.8 की जगह हमें मिला है 1.79% सिलिकॉन हमें बात केमिस्ट्री में मिला है। तो अब हम रिकवरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले 1.79 जो मिला हुआ सिलिकॉन है उसको 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आएगा 17.9। मतलब अगर
100% रिकवरी होती तो हमें 17.9 kg सिलिकॉन डालना पड़ता, लेकिन हमने डाला है 26 किलो, इसलिए 17.9 डिवाइडेड बाय 26। और ये जब हम डिवाइडेशन करेंगे तो हमें उसका आंसर आएगा 68.86। तो इसका मतलब फेरोसिलिकॉन की रिकवरी जो हमारी आ रही है वो 68%, 68.86 मतलब 69% के करीब है। तो आवर रिकवरी ऑफ फेरोसिलिकॉन इज 69% ऑलमोस्ट। तो ये है तरीका रिकवरी निकालने का। रिकवरी निकालने का और एक तरीका है, जब हम लेड एडिशन करते हैं तब भी हम अलॉय की रिकवरी निकाल सकते हैं। उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर और एक लिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाथ में हमारा सिलिकॉन है 1.65% और हमें चाहिए 1.8%। तो हमने 1.9 kg ऑफ फेरोसिलिकॉन इसमें डाल दिया है और ये 1.9 किलो सिलिकॉन डाला है क्योंकि हमें चाहिए 1.8%, जो कि 1.65% आया हुआ है उसके अनुरूप। तो हमने 1.9 kg सिलिकॉन फर्नेस में लेड एडिशन करके डाला हुआ है और उसके बाद हमें 1.77% सिलिकॉन मिला है। तो जब एडिशन के बाद हमें 1.77% सिलिकॉन मिला है तो हम कैलकुलेट करेंगे 1.77 जो हमें सिलिकॉन मिला है माइनस 1.65 जो हमारा बाद का सिलिकॉन है, मतलब 0.12% सिलिकॉन बड़ा है। और ये 0.12% सिलिकॉन 1000 किलो में 1000 kg में बड़ा है, मतलब और 1.9 kg हमें डाला है उसके लिए। तो बड़ा हुआ सिलिकॉन इंटू मेटल वेट डिवाइडेड बाय एडिशन, यानी 0.12 × 1000 / 1.9, ये देता है 63%। तो इससे ये पता चलता है कि जो सिलिकॉन की रिकवरी है वो 63% है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कि बात फाइनल का सिलिकॉन जो हमें मिला है, जो फाइनल बात का सिलिकॉन जो रिकवरी एडिशन के बाद मिला हुआ बात का सिलिकॉन है, माइनस बात का इनिशियल सिलिकॉन, उसका डिफरेंस इनटू मेटल वेट डिवाइडेड बाय एडिशन। तो ये करेंगे तो हमें जो रिकवरी है वो रिकवरी आसानी से पता चल जाएगी, ये है 63%। इसके पहले हमारी रिकवरी आई थी 69%। तो ये भी जो बहुत जानना जरूरी है कि जो रिकवरी हमें बेसिक मेटल में मिलेगी जब हम शीट का चार्जिंग कर रहे हैं वो टाइम पे मिलेगी, जहां पर हम जो अलॉयज है उसे इनिशियल स्टेज में डालते हैं फर्नेस में, तो वहां पर जो रिकवरी मिलेगी वो ज्यादा बेहतर रहेगी एज कंपेयर टू लेट एडिशन। लेट एडिशन में आपकी रिकवरी हमेशा ही थोड़ी कम रहेगी क्योंकि हम उतना टाइम उस अलॉय को नहीं देते हैं पूरी तरह मेल्ट होने के लिए, पूरी तरह घुल मिल जाने के लिए। तो हमेशा ही ध्यान में रखो कि जब भी लेट एडिशन आप करोगे तो ये ध्यान में रखो कम से कम 10% आपको रिकवरी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 5 to 10% रिकवरी विल बी ऑलवेज लेसर इन ड्यूरिंग द लेट एडिशन देन दैट ऑफ इन द एक्चुअल मेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए एडवांटेज में लिखा था फर्स्ट टाइम राइट। इसलिए आप रिकवरी को जान जान के अगर शुरू में सही तरीके से अलॉय को डालेंगे या फिर अलॉय को ज्यादा से ज्यादा सही लाने की कोशिश करेंगे तो ये आप एडवांटेज रहेगा कि आपका लेट एडिशन कम होगा। और लेट एडिशन जितना कम होगा उतना आपकी एफिशिएंसी मेटल की बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पावर कंजम्पशन कम होगा और आपका कंपोजिशन भी सही आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप रिकवरी के ऊपर काफी ध्यान दें। जब भी कोई नया मटेरियल आता है तो आप सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपकी रिकवरी क्या आ रही है, कोई सिलिकॉन की नई व्हीकल आता है, सिलिकॉन का कोई नया लॉट आता है, कार्बन का कोई नया लॉट आता है, मैंगनीज का कोई नया लॉट आता है, तो आप जाइए और वेरीफाई कीजिए कि रिकवरी क्या आ रही है। आप हीट में भी वेरीफाई कीजिए और लेट एडिशन में भी वेरीफाई कीजिए और आपको पता चलेगा कि रिकवरी कितनी मिल रही है। और यू हैव टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर सुपरवाइजर्स। आपको ये इंफॉर्मेशन आपके बिल्डिंग सुपरवाइजर के साथ में, ऑपरेटर के साथ में शेयर करनी होगी ताकि वो सही तरीके से एडिशन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे वो रिकवरी का सहारा लेके एडिशन करेंगे और ये आपको काफी फायदे का सौदा रहेगा। नेक्स्ट इज दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रिकवरी ऑफ अलॉय एंड देन सिमिलरली कार्बन का भी रिकवरी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक और वीडियो है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, चार्ज कैलकुलेशंस एंड लेट एडिशन इन ग्रे कास्ट आयरन।
एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है जिसे आप देख सकते हैं, इसके काफी लगभग 13,000 व्यूज है ऑलरेडी। बहुत सारे लोग इस ऐप को, एक्चुअली इट इज एन एक्सेल ऐप, जो एक्सेल में बनाया गया ऐप है, तो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं शॉप फ्लोर पे। एक शॉप फ्लोर में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है सुपरवाइजर्स के लिए, जिसे आप एजीआई एंड कास्टर के अलग अलग ग्रेड्स का चार्ज कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और लेड एडिशन भी, इससे आप आराम से वन फिंगर टिप के ऊपर पा सकते हैं। तो यू यू कैन गेट दिस ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अगर ऐप चाहिए तो आप मेरे फोन नंबर 90 49 20 77 01 के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल सकते हैं और ये ऐप मुझसे ले सकते हैं। इससे आपका काफी फायदा होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को, आज के इस वीडियो को खत्म करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, आपने समय निकाल के इस वीडियो को देखा है, और इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आपको काफी फायदा होगा, और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप सब लोग डायनामिक फाउंड्री ग्रुप के सारे वीडियो देखते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।